हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक, आल्सो फॉर नेक्स्ट मंथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे देखोगे, इस महीने की शुरुआत हमने की है लगभग 3% गेन के साथ, 18 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस, और ये सुपर बुलिश ट्रेंड में ऑलरेडी एंटर कर चुका है इस साल के सभी टारगेट अचीव करने के बाद। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हम जो हैं तो एक फिर से एक ट्रैप शॉर्ट जो ट्रैप हो चुके हैं उनकी एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें आगे चल के देखने को मिल सकती है। लास्ट 4 मंथ से देख रहे हो आप कि कॉपर क्रूड नेचुरल गैस जो है तो ये पॉजिटिव ट्रेड में ही बंद हो रहा है। हर महीने हमें पॉजिटिव क्लोजिंग ही दिख रही है। लास्ट मंथ हमने 17% के गेन देखे 93 रुपीज़, उससे पहले 28% के गेन लगभग 120 रुपये, और उससे पहले जो है तो 100 रुपये के गेन लगभग 30%। तो आप देख रहे हो नेचुरल गैस के प्राइसेस में जिस किस तरह से ये आग लगी हुई है और ये हो रहा है रशिया और जो वर्ल्ड के बीच में यूरोप और यूएस के बीच में जो उसके वजह से जो टेंशन है उनके वजह से हमें यहाँ जो है और डिमांड साइड जो है तो पुशअप दिख रहा है और सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, तो उसकी वजह से प्राइजेस जो हैं तो स्काई रॉकेट हो चुके हैं और ये कंटिन्यू रहेगा आगे चल के। जिस तरह से चार्ट पे दिख रहा है मुझे प्राइस पैटर्न, मुझे लगता है कि हम जो हैं तो शायद हो सकता है कि 800 और 1000 के भी लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ जो है तो जिनके पास अभी पोजिशन है अर्जेंट को ये 800-1000 के टारगेट के लिए खेलना है तो उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 620 का। अगर इसके नीचे वीकली या मंथली क्लोजिंग बेसिस पे नेचुरल गैस बंद होता है तो आपको इस ट्रेड में से निकल जाना पड़ेगा। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि किस तरह से ये रनअवे रैली हमें देखने को मिल चुकी है और ये कंटिन्यू हो रही है। यहाँ जो है तो एज पर वीकली चार्ट 610 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है और यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है आपका। अगर आपने नीचे पोजिशन बनाई है तो 610 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 800, उसके बाद में 1000 के टारगेट आपको नेचुरल गैस में दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ जो है तो अगर 610 के नीचे जाता है, 610 के नीचे नेचुरल गैस जाता है तो एक लॉन्ग टर्म करेक्शन भी यहाँ ट्रिगर हो सकती है। तो करंटली ट्रेंड वीकली चार्ट पे बुलिश है और यहाँ जो है तो ऊपर के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे तो हमने लास्ट मंथ जो है तो एक अप मूव दी थी, डीप करेक्शन आया, उसके बाद में फिर से जो है तो यहाँ शॉर्ट को ट्रैक किया उन्होंने और फिर से एक रिलीफ रैली जो है या फिर शॉर्ट कोरिंग रैली कह लीजिए वो हमें देखने को मिली। अभी यहाँ जो है तो प्योर इस महीने का है लगभग 625 के अराउंड और यहाँ नीचे जो है तो 50 डेज का जो एवरेज है वो है 575 और उसके बाद में जो 200 डेज का एवरेज है वो है 425। अगर यहाँ जो है तो जिन्हें लॉन्ग करना है और बाय करना है तो यहाँ मेरा सलाह रहेगी कि 625 के अराउंड आपको लॉन्ग की सोचनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है तो थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि अभी यहाँ इसकी प्राइस बहुत बढ़ चुकी है तो और लॉट साइज सेम है तो उसके वजह से स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं। तो 25 रुपये का स्टॉप लॉस है, अगर 625 में मिलता है तो 600 रुपये का स्टॉप लॉस और आपका जो टारगेट बनेगा इस महीने के लिए, पहला टारगेट 720 775 और उसके बाद में 860, तो 860 तक। तो जैसे मैंने कहा 800 रुपये का जो है तो एक शॉर्ट कवरिंग टारगेट जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिखाई दे रहा है वो शायद इसी महीने हमें देखने को मिल सकता है अगर हम कंटिन्यूसली 625 का लेवल डिफेंड करते हैं और उसके ऊपर बने रहते हैं, या थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन भी हो सकता है। मगर जब तक नेचुरल गैस के प्राइजेस 625 के ऊपर है तब तक आपको लॉन्ग का ही व्यू रखना चाहिए विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 600 रुपये का स्टॉप लॉस। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर 575 और 400 तक भी हमें यहाँ जो है तो करेक्शन आते हुए दिख सकता है और ये कंडीशन जो है तो ये अननेचुरल जो चीज़ें हो रही है जो वॉर सिचुएशन है उसकी वजह से अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो आपको जो है तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ओवरनाइट मेल्ट डाउन भी आते हुए दिखेगा और यहाँ जो है तो शायद लोअर सर्किट के भी आपको कई सेशन देखने को मिल सकते हैं अगर ये जो इनका विवाद है वो सुलझ जाता है या फिर उसमें कोई समझौता होता है तो उसके वजह से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का जो
जो अभी प्रॉब्लम चालू है वो कई हद तक जो है तो सॉल्व हो जाएगा, उसके वजह से यहाँ मेल डाउन आ सकता है। तो यहाँ मैं मोमेंटम तो कैरी, जो मोमेंटम का फायदा है वो जरूर लेंगे, मगर वो इंट्राडे बेसिस पे। आई विल नॉट कैरी एनी पोजिशनल लॉन्ग इन क्रूड और नेचुरल गैस। आई विल मोस्टली प्रीफर टू ट्रेड इन इंट्राडे ओनली, बिकॉज यहाँ ओवरनाइट कभी भी मेल डाउन आ सकता है, और ये अभी और बॉट पोजिशन में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ उसकी संभावना बहुत ही ज्यादा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.